हेलो फ्रेंड्स, एलिगेंस क्लिनिक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज का टॉपिक है स्कार रिवीजन के बारे में। तो सर, ये जो स्कार रिवीजन करते हैं तो उससे स्कार परमानेंट निकल जाता है? स्कार रिवीजन करने से स्कार में जो भी हम फर्क लाते हैं वो परमानेंट रहता है। और ये स्कार रिवीजन जैसे आपने बताया कि परमानेंट निकल रहता है, तो पूरा निकलना होता है या फिर थोड़ा कुछ दिखता भी है? यहाँ पे समझना जरूरी है कि स्कार ऑलरेडी जब बनता है तो चमड़ी के दूसरे लेयर के नीचे डैमेज होती है, तभी स्कार बनता है। आगे हमने बताया था कि चमड़ी के 7 लेयर होते हैं, उसमें से अगर ऊपर के 2-3 लेयर में डैमेज है तो आपकी स्किन की हीलिंग बिना स्कार के हो जाती है। लेकिन अगर आपकी जो इंजरी है या जो भी डैमेज है वो चमड़ी में अंदर तक है तो वो स्कार परमानेंट रहता है। स्कार रिवीजन का जो रिजल्ट है वो भी परमानेंट रहता है, लेकिन स्कार रिवीजन से आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में डालने की जरूरत है कि स्कार कभी निकलता नहीं है। स्कार दिखना कम हो सकता है, स्कार का साइज कम हो सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है, वो कम से कम दिखे वैसा हो सकता है, उसकी चौड़ाई कम हो सकती है, वो एबनॉर्मली आपकी आंख या नाक या कहीं पे सॉफ्ट टिश्यू को खींच रहा है वो सेटल हो सकता है, माने बहुत सारी चीजें सेटल हो सकती हैं, लेकिन स्कार कभी जाता नहीं है। जो आपका स्कार है वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें फर्क पड़ता है, जिससे आप प्रेजेंटेबल हो पाए, आपको जो चेहरे पे डिस्ट्रेस था वो डिस्ट्रेस कम हो पाए, लेकिन स्कार कभी पूरा निकलता नहीं है। हमारा एड्रेस, फोन नंबर और कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा ये QR कोड को स्कैन करके आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो है drashutoshsah.com। दूसरे QR कोड को स्कैन करके आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो है एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष शाह। इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसका बेल आइकन भी दबा सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आपके समय के लिए धन्यवाद।